पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है और हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने बीती 22 दिसंबर को हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासे में बताया, जेनी और उसके पिता दो भाई थे। ताऊ के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, जिसके बाद आरोपी ने मिली संपत्ति को अपनी गलत आदतों में उड़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पवन जेनी और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था, जिसे जेनी ने देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हिस्सा न मिलने से नाराज पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और 22 दिसंबर को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जेनी पर ताबतोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी, जिसका खुलासा आज पुलिस ने किया है और हत्या में शामिल दो आरोपी उमेश और सागर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पिस्टल और घटना में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया गया है। सुधाकर सिंह चौहान, गाजियाबाद, समाचार 24। ये 22 तारीख को ग्राम सरौली थाना लोनी के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति है जैनेन्द्र जैनी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसमें लगातार एसएसपी सर के निर्देशन में टीमें काम कर रही थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करते हुए इसमें जो दो मुख्य अभियुक्त हैं उमेश उर्फ फौजी और सागर भारती, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा पूरी इनसे बात पता चली है, तो इसमें काफ़ी लोगों के नाम सामने आए हैं कि किस तरह से बैठ के इन्होंने, मेन जो था वो पवन था, पवन का रोल था, क्योंकि पवन का संपत्ति विवाद था, संपत्ति विवाद के कारण वो इसकी हत्या करना चाहता था जैनेन्द्र की। तो उसी को करने के लिए इसने अपने साथियों से बात करी, फिर इस तरह से एक जगह इनकी प्लानिंग हुई कि हम इसको जाके मारेंगे। इसको मारने के लिए तीन लोग आए थे, पवन खुद आया था, बिल्लू खाना और सागर भारती, जो इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। और फिर उसके बाद टीमें लगी हुई थी, इनको दो को गिरफ्तार किया गया है इसमें और बाकी अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल 11 लोग इसमें प्रकाश में आए हैं। सर, पवन और ज्ञानेंद्र का क्या रिश्ता है आपस में? चाचा भतीजे। ये चाचा भतीजे हैं और सौतेला रिश्ता है एक तरह से। इनके जो पिता है जैनी के, उनकी दो शादियाँ हुई थी, तो उसी को लेकर संपत्ति का इनका विवाद था काफी समय से जी। उसी के कारण ये मतलब मुख्य चीज जो है वो संपत्ति विवाद। सर, उसे हथियार कहाँ से मिला? हथियार वगैरह इनके पास थे, उन जो हमें जानकारी मिली है उस पर हम लगे हुए हैं और जहाँ से इन लोग के पास हथियार आए हैं उसको हम ट्रेस कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उन लोग को भी हम पकड़ेंगे।